रुके रुके भाई साहब, कहीं आप जमीन खरीदने तो नहीं जा रहे हैं और यह जमीन बेचने तो नहीं जा रहे हैं? भाई साहब आप चाहे जो भी हो, प्रॉपर्टी डीलर से लेकर के ग्राहक की का है ना हो, भाई साहब एक बार खबर जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि खबर को देखने के बाद आप वाकई में आश्चर्यचकित हो जाएंगे। बाराबंकी जनपद के थाना देवा पुलिस द्वारा कुटरचित दस्तावेज तैयार कर फर्जी तरीके से जमीन बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। भाई साहब गिरोह के 5 सदस्यों की गिरफ्तारी हुई है। मामला क्या है आप पुलिस अधीक्षक महोदय से सुन लीजिए। एक अरुण कुमार सिंह जो भारत सरकार के उपक्रम में वैज्ञानिक हैं चलकड़ा में और मूल रूप से चंदौली के रहने वाले हैं, उनका एक प्रार्थना पत्र आया था जिसमें उन्होंने बताया कि सन 89 में उन्होंने हमारे यहाँ थाना देवा के अंतर्गत रेदुआ पलहरी गांव में 66,000 स्क्वायर फीट लगभग जमीन खरीदी थी जो उनके नाम से है, दाखिल खारिज हो चुकी है। उस संबंध में उनका कहना था कि उनके पास पिछलों ने संपर्क किया कि क्या आप अपनी जमीन बेच रहे हैं। इस संबंध में अनभिज्ञता बताने पर उन्हें जानकारी हुई कि कुछ लोग अरुण कुमार सिंह बनकर उनकी जमीन बेचने का प्रयास कर रहे हैं। इस पर पुलिस सक्रिय हुई और सीओ सिटी बाराबंकी के नेतृत्व में बनी टीम ने इस पूरे केस को परत दर परत खोला है और इसमें शामिल सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है और उनके पास से अरुण कुमार सिंह की कूट रचना द्वारा तैयार कराया गया आधार कार्ड और पैन कार्ड बरामद हुआ है। इस संबंध में जानकारी हुई कि एक ऐसे व्यक्ति का पैन कार्ड तैयार किया गया जिसका आधार कार्ड तैयार किया गया जिसका अरुण कुमार सिंह वास्तविक से कोई लेना देना नहीं है। एक इम्पोस्टर की तरह से वो जगह जगह जमीन को बेचने के प्रयास में इस गैंग के साथ शामिल रहा, इसलिए उसको आरोपित किया गया है इस मामले में। इसके जो सूत्रधार हैं उन्होंने अपने गैंग के साथ बहुत योजनाबद्ध तरीके से आधार पैन के साथ साथ बैंक में अकाउंट खोला जिससे कि इस जमीन की कूट रचना द्वारा बिक्री का पैसा उसमें जमा कर हेरा फेरी की जाए। उस बैंक अकाउंट में भी आज गिरफ्तार कई लोग सम्मिलित रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी का निर्धारण वेचना के दौरान किया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया, इस पूरे केस को विकसित करने में हमारे एसपी नॉर्थ का मार्गदर्शन रहा। उन्होंने मौके पर पहुंचकर सारे जो बिंदु थे उनका गहराई से परीक्षण किया। हमारे एसओ देवा और चौकी इंचार्ज, पूर्व चौकी इंचार्ज और वर्तमान चौकी इंचार्ज माती, दोनों ने बहुत परिश्रम किया और एक बड़ी उलझी हुई गुत्थी को पूरी तरह से सुलझाया। आधार में क्या है कि एक सुविधा लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए जरूर है कि आधार में जो नाम दिया है उसमें आंशिक या पूर्ण परिवर्तन किया जा सकता है। ये फ्रॉडस्टर्स ने ऐसा प्रतीत होता है अभी प्रथम दृष्टया कि उस जो ये सुविधा है इसको लूपहोल बनाकर इसका प्रयोग किया है जिससे कि एक ऐसा व्यक्ति जिसका वास्तविक अरुण कुमार सिंह से कोई मतलब नहीं है, ऐसे व्यक्ति को खड़ा करके उन्होंने एक कूटरचित डॉक्यूमेंट तैयार किया है जिसके आधार पर इस जमीन को कूट रचना द्वारा बेचा जा सके। कल मीडिया में आएगा और मीडिया के माध्यम से लोगों को मालूम पड़ेगा, तो मुझे विश्वास है कि अगर किसी के साथ इस तरह का फ्रॉड हुआ होगा या प्रयास हुआ होगा तो वो स्थानीय पुलिस से संपर्क करेगा। अगर कोई ऐसा तथ्यात्मक चीज इनके बारे में या इनसे इतर किसी ज्ञान के बारे में मालूम पड़ती है तो उसे कर लेगा। तो बाराबंकी जनपद के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी की बातें सुनकर के आप पूरा मामला विस्तार पूर्वक समझ गए होंगे और ये भी जान गए होंगे कि किस तरह से बाराबंकी पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। फिलहाल बाराबंकी जनपद में उत्तर प्रदेश के लिए एबीएन न्यूज 24 की ब्यूरो रिपोर्ट।